आज पेपा के प्ले ग्रुप का स्पोर्ट्स डे है। एक पिंक टीम है और दूसरी ब्लू टीम। वो गोल्ड मेडल्स जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जीतने वाली हूँ। रेबेका रैबिट को सैक रेस काफी मुश्किल लग रही है। पिंक टीम की एमिली एलिफेंट ने सैक रेस जीत ली है। हुरे! तुम काफी तेज हो। स्क्वीक! अरे नहीं, मैं हार गई। तुमने पूरी कोशिश की और हम अभी भी जीत सकते हैं। अब समय आ गया है अंडा और चम्मच रेस का। और तेज पेपा। स्क्वीक! लेकिन पेपा को तेज दौड़ते हुए अपने अंडे को संभालने में परेशानी हो रही है। थोड़ा धीरे पेपा, अंडा ना गिर जाए। ठीक है। थोड़ा धीरे डैडी। लेकिन इतना भी धीरे मत चलो। थोड़ा धीरे, थोड़ा तेज, थोड़ा धीरे, नहीं और तेज। ओह, नहीं। हमने पहले खाया। हमने रेस जीत ली है। वाह! दोनों टीम में टाई हो गई है। अगला गेम रिंग टॉस का है। जो टीम लकड़ी की छड़ी पर सबसे ज्यादा रिंग्स फंसाएगी, वो स्पोर्ट्स डे जीत जाएगी। हर टीम को इसके लिए एक पॉइंट मिलेगा। ये, ये। हर टीम के लिए एक और पॉइंट। ये अब भी ड्रॉ है। रेबेका और फ्रेडी, अब तुम्हारी बारी है। अगर मैं चूक गई तो हम हार जाएंगे। जीत की परवाह मत करो, बस बेहतरीन खेलो और खूब मजे करो। हम हार गए। स्क्वीक! लेकिन हमें बहुत मजा आया। तुमने सही कहा पेपा। बहुत बढ़िया पिंक टीम, आपको मिलते हैं गोल्ड मेडल्स। और ब्लू टीम भी बहुत अच्छा खेली, इसके लिए उन्हें मिलते हैं सिल्वर मेडल्स। वाह! पिंक टीम और ब्लू टीम दोनों को स्पोर्ट्स डे अच्छा लगा। सभी को स्पोर्ट्स डे अच्छा लगा। पेपा और उसका परिवार बेबी अलेक्जेंडर को चर्की वाले बड़े से झूले पर ले जा रहे हैं, पर वो ज्यादा खुश नहीं लग रहा। ये बदबू कैसी है? ये तो बेबी अलेक्जेंडर से आ रही है। इसकी नैपी बदलनी होगी। पर हम तो चर्की झूले के लाइन में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। सब अपनी नाक बंद कर लो। इस चरखी झूले में कितनी बदबू है। सॉरी पेपा, पर बेबी अलेक्जेंडर की देखभाल करना हमारा काम है। अगर हम अब मदद करेंगे तो बाद में खेल सकते हैं। हाँ, बेबी अलेक्जेंडर को हमारी मदद चाहिए। ये हुई ना बात। अब चलते हैं और नैपी बदलने के लिए जगह ढूंढते हैं। वहाँ ठीक रहेगा। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। अरे रे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। ये
यहाँ। शाबाश पापा, हमें नापी बदलने की जगह मिल गई है। सबसे पहले हमें खराब नापी हटानी होगी और उसे कचरे के डिब्बे में डालना होगा। कचरे का डिब्बा कहाँ है? ओह, ये रहा डैडी। ऐसा करने के बाद हमें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। थोड़ी सी क्रीम लगानी चाहिए। ओह, सॉरी पापा, हो ही गई। आखिर साफ सुथरी नैपी। डैडी, मैं भी थोड़ा सा करके देखूं। बिल्कुल पापा। अरे वाह, अब बढ़िया है। ये कितना मजेदार था। मैंने पहले कभी नापी नहीं बदली थी। तुमने बहुत अच्छे से बदली है पापा। लेकिन क्या तुम जानती हो कि नापी बदलने से भी ज्यादा मजेदार क्या है? चरखी वाला झूला। पेट्रोपोनी, कैंडी कैट, मैंडी माउस, जेरल्ड जिराफ और डैडी डॉग फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो मम्मी, मेरे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। हेलो पापा, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। सबसे अच्छा स्कोर पाने वाले को ट्रॉफी मिलेगी। वाओ, पापा को चमचमाती हुई ट्रॉफीज पसंद है। पापा, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगी? नहीं थैंक यू, मैं अकेले ही खेलूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले खेलना चाहिए पापा। पर अकेले खेलूंगी तो ट्रॉफी पूरी मेरी होगी। सारे एक तरफ है और पापा उनसे अकेले खेलने जा रही है। अरे नहीं, अच्छी कोशिश थी पापा। एक बार और करो। मुझे और जोर से किक करना चाहिए। लगभग कर ही लिया। बस अब करने ही वाली हो। शायद मेरे दूसरे पैर से हो जाए। तुम्हें अपने बॉल से स्कोर करना है, जूते से नहीं। ये कितना मुश्किल है। तो फिर क्यों ना तुम गोल करो। अच्छा आइडिया है मम्मी, मैं एक शानदार गोल करने वाली बनूंगी। गोल! मम्मी, वो गोल कर पा रहे हैं पर मैं क्यों नहीं? पापा, ऐसा इसलिए क्योंकि फुटबॉल टीम वर्क है। और सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास टीम ही नहीं तो तुम टीम में खेलोगी कैसे? क्या मैं आप लोगों की टीम में आ सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल तुम आ सकती हो। हमारे पास एक शर्ट भी बची है, ये रही तुम्हारे लिए। हुर्रे! लेकिन गोल के लिए कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी, बस कोशिश करके इसे मेरे पास तक लाओ। पेड्रो, तुमने गोल कर दिया तो ये ट्रॉफी तुम्हें मिलती है। ओह, लेकिन हमने एक साथ मिलकर गोल किया है पापा, एक टीम की तरह। सही बात है, ट्रॉफी तुम सबको मिलेगी। पेपा और उसकी फैमिली एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं। ये! मुझे एरोप्लेन में उड़ना पसंद है। लेकिन सबको एरोप्लेन में उड़ना पसंद नहीं होता। ओह हेलो मैडम गजेल, जॉर्ज को और मुझे उड़ना पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? ओह पेपा, असल में मैं पहले कभी एरोप्लेन में नहीं गई और मुझे डर लग रहा है।
पता है कि क्या करना है। मिस रैबिट, क्या आप प्लेन को काफी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। मैडम गजल, जब प्लेन ऊपर जाता है तो वाकई मजा आता है। देखिए, हम लगभग स्पेस में हैं। कितनी ऊंचाई पर है। अब हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं क्या मिस रैबिट? क्यों नहीं। बहुत ज्यादा नीचे है। चलो एक और चक्कर लगा कर देखते हैं। मुझे लगता है कि इससे भी बात नहीं बनी जॉर्ज। देखिए मैडम गजेल, वो बादल चिड़िया जैसा है, देखा आपने? हाँ हाँ, मैंने देखा। और वो एक सुकून देने वाले रेगिस्तानी आइलैंड जैसा लग रहा है। डायनासोर। ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपनी आंखें बंद रखूंगी और ये सब खत्म हो जाने पर खोलूंगी। अरे बाप रे। हेलो, क्या आप दोनों को एक्टिविटी बुक पसंद है? ये बहुत मजेदार है। ओह हाँ, दीजिए। क्या आप इसमें रंग भरना पसंद करेंगी मैडम गजेल? वैसे ये सही रहेगा, इससे मेरा ध्यान उन चीजों से हट जाएगा। और फिर बाकी बची उड़ान में पेपा, जॉर्ज और मैडम गजेल कुछ सुकून भरे रंगों से रंगने लगे। ये देखो लाइन वर्क, देखो तो ये कितने ध्यान से किया गया है, गजब का है, ए स्टार प्लस देने के लायक। हम लैंड कर चुके हैं। कर चुके हैं, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा था, इसमें तो बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने आपसे कहा था उड़ने में वाकई मजा आता है। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू पेपा और जॉर्ज। अब मैं घर के लिए जल्द से जल्द उड़ान भरना चाहती हूँ। पेपा और उसके दोस्त पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। हैंडबॉल, ये नियम के खिलाफ है। अरे मिस रैबिट, आप सीटी क्यों बजा रही हैं और उन कार्ड्स का क्या मतलब है? मैं रेफरी हूँ, मैं ध्यान अपनी ओर लाने के लिए सीटी बजाती हूँ। अगर कोई गलती करता है तो मैं उसे पीला कार्ड देती हूँ, और अगर कोई उल्टे सीधे काम करता है तो मैं उसे देती हूँ लाल कार्ड। ओह, क्या मैं रेफरी बन सकती हूँ? बेशक। अब पेपा रेफरी है। क्या हुआ पेपा? आपने बॉल पर बहुत तेजी से किक मारी है, मैंडी चौक गई। लेकिन ये नियमों के खिलाफ नहीं है। मैं अब रेफरी हूँ डैडी, तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा है। अरे बाप रे। पेपा को रेफरी बनना पसंद है और उसे सीटी बजाना बहुत पसंद है। आपने अपने जूते के फीते नहीं बांधे हैं। आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं। आप लगभग उस प्यारे से फूल को लात मारने ही वाले थे। पेपा सीटी बजाने की सारी वजह तलाश रही है। आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। आप बहुत ऊंचाई पर झूल रहे हैं। आपकी आइसक्रीम कितनी पिघल रही है देखकर। क्या अब हम चले? मुझे भी किक करना है। डैडी पिग और मिस रैबिट नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। रेफरी, ये बतख कितनी प्यारी है। रेफरी पेपा।
पेपा को इतना मजा आ रहा है कि वो फुटबॉल मैच के बारे में एकदम भूल ही गई है। डैडी, इस तरह से फुटबॉल नहीं खेलते। आप थोड़ी अजीब सी चीजें कर रहे हैं। इसके लिए अब मैं आपको लाल कार्ड देने वाली हूँ। सॉरी पेपा, लेकिन मुझे लगता है हम कुछ ज्यादा ही कर गए। ठीक है डैडी, लेकिन मुझे लगता है कि अब रेफरी बनने की बारी आपकी है। आज प्ले ग्रुप के लिए मैडम गजेल एक खास सरप्राइज लाई है। हाय रे। क्या फिर से हैलोवीन है? मैं एक जादूगर बनने जा रहा हूँ। मैं बनने जा रही हूँ एक पेड़। स्क्वीक। और मैं बनूंगी जादूगर का जादुई पेड़। नहीं बच्चों, कद्दू सिर्फ हैलोवीन का जश्न मनाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, वो अमेरिका की एक खास छुट्टी मनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो है थैंक्सगिविंग। हाँ? क्या मैं अभी भी थैंक्सगिविंग के लिए जादूगर का जादुई पेड़ बन सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल। थैंक्सगिविंग पर लोग और भी चीजें करते हैं, जैसे बकरी के सींग जैसा सजावटी डिब्बा बनाना। सजावटी डिब्बा? कितना अजीब सा लगता है। सजावटी डिब्बा, ये सींग के आकार की टोकरी होती है जिसमें पतझड़ के मौसम में उगने वाले फल और सब्जियां रखी जाती हैं। हम खुद की एक टोकरी तैयार करते हैं। शुक्रिया। मैं ताजे फल और सब्जियों के लिए वाकई शुक्रगुजार हूँ। एक कहानी में तो यहाँ तक कहा गया है कि सजावटी डिब्बा जादू से अपने आप को भर सकता है। ऐसा है क्या? वो खुद ब खुद भर जाता है? अफसोस ऐसा नहीं है। प्ले ग्रुप के सारे बच्चे उन चीजों से अपना थैंक्सगिविंग सजावटी डिब्बा बना रहे हैं जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। मैं बलूत के फल और कद्दू के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं इसमें रखूंगी ये चॉकलेट बार अपने लंच बॉक्स से। मुझे चॉकलेट बार पसंद है। ओ, शायद बस एक बाइट। ओ, वैसे सबसे बढ़िया चीज रैपर ही है। लगभग हो ही गया था। आप सब ने एक सुंदर सजावटी डिब्बा बनाया है। अब घर का समय है और पेपा मम्मी पिग और डैडी पिग को दिखा रही है कि आज उसने क्या सीखा। ये एक सजावटी डिब्बा है, ये थैंक्सगिविंग का भाग है और ये हमें मिलने वाले सारे लजीज खाने के लिए शुक्रगुजार होने की याद दिलाता है। वाकई प्यारा है। लेकिन इस सजावटी डिब्बे को देखकर मेरे पेट को याद आया कि उसे कितनी भूख लगी है। वो कार वाकई कितनी तेजी से गई है। चिंता मत करो, इसी वजह से जरूरी है रुकना, इधर उधर देखना, सुनना और सड़क पार करने से पहले हमेशा ग्रीन मैन का इंतजार करना। द ग्रीन मैन। बच्चों, आपको याद है ना कि हमने क्या सीखा था? रुको, इधर उधर देखो और सुनो। सब ठीक है, कोई कार नहीं है। चलो चलते हैं, अब पार करना सुरक्षित है। हेलो डैडी। हेलो पेपा, पेपा का प्ले ग्रुप। हेलो डैडी पिग। ओह, हरी बत्ती। चलो, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया पुलिस ऑफिसर पांडा। दिन भर का यही काम है। पेपा पुलिस ऑफिसर पांडा की मदद कर रही है ताकि सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। नहीं नहीं नहीं, एमिली, तुम्हें सड़क पर अपने ही साइड पर रहना होगा।
सॉरी पेपा, मेरा पहिया फंस गया है। हम तुम्हारी मदद करते हैं। हम सड़क को कार और लोगों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। पेड्रो ने ध्यान नहीं दिया कि ग्रीन मैन रेड हो गया है। पेड्रो, रेड मैन का मतलब है रुको, चलो मत। शुक्रिया पेपा। दिन भर का यही काम है। अरे वो देखो, फ्रेडी ने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं। हमें लुटेरे को पकड़ना होगा। लाल बत्ती का मतलब है रुको। ये रहा, यहाँ। हमने अब उसे पकड़ लिया है। फ्रेडी, क्या तुम लुटेरे हो जो तुमने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं? नहीं, मुझे धारीदार कपड़े पसंद है। तो तुम लुटेरे नहीं हो? नहीं। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो, लेकिन तेज रफ्तार से नहीं। ठीक है, अलविदा पेपा। बहुत बढ़िया ऑफिसर पेपा, अब सबको याद हो गया है रुकना, देखना और सुनना, और तभी जाना जब वो देखते हैं ग्रीन मैन। इसका मतलब हम जा सकते हैं। दिन भर का यही काम है ऑफिसर पांडा। पेपा को सभी की सुरक्षा करना और सभी को सुरक्षित महसूस करना अच्छा लगता है। चलिए ना, बस पटाखे अभी चलने ही जा रहे हैं। बॉनफायर की रात है और पेपा काफी जोश में है। उसे बॉनफायर बेहद सुंदर लगते हैं। हाय पेपा, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। पटाखे चलना शुरू होंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ये पटाखे तो काफी ऊपर जा रहे हैं। पेपा को लगता है पटाखों से काफी शोर होता है। पटाखे वाकई बहुत आवाज करते हैं दादाजी। ओ बच्चे, क्यों ना हम कुछ और पीछे जाएं? उनसे दूर जाने पर ज्यादा शांति मिलेगी। हम पीछे जा रहे हैं जहाँ पटाखों की आवाज इतनी जोर से ना आए। अच्छा विचार है, हम भी आएंगे साथ में। निकलने दीजिए प्लीज। हम फिर से आ गए, सॉरी। क्या अब ठीक है पापा? हाँ, शुक्रिया डैनी। बढ़िया, अब हम सब पटाखों के नजारों का मजा ले सकते हैं। इनमें कितने सारे रंग हैं? लाल और नीले और हरे और पीले। पेपा को पटाखों को देखकर बहुत मजा आ रहा है। और अब समय आ गया है जबरदस्त पटाखों का। सभी अपना दिल थाम लें। जबरदस्त मतलब और जोरदार आवाज वाले। अरे बाप रे, अब हम क्या करें? हम अब और पीछे नहीं जा सकते, हमें घर भी तो जाना है ना? लेकिन मुझे पटाखे देखने हैं, मुझे उनकी आवाज बिल्कुल नहीं सुननी। मुझे पता है। कभी कभी ना, मेरे दादाजी भी वाकई काफी जोर से बोलते हैं, तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। हेडफोन्स? हाँ। ये आपके कानों को ढक देते हैं और तेज आवाज धीमी लगने लगती है। क्या तुम्हें ये आजमाना है? वाओ, ये तो काफी बेहतर है। शुक्रिया डैनी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है पापा। हमें पटाखों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। वाह, बर्फ पड़ रही है, बाहर चलते हैं। पेपा आज बर्फ में खेलने के लिए काफी जोश में है। ये चलो चलते हैं। लेकिन कैंडी खुश नहीं लग रही। मियाऊ,
यहाँ कितनी ठंडी है। बर्फ हमेशा ठंडी होती है और यही तो मजेदार बात है। मुझे नहीं पता था कि इतनी ठंडी होगी। क्या हम अंदर के गर्म माहौल में खेल सकते हैं? ओह, लेकिन मुझे तो बर्फ में खेलना है। पेपा और कैंडी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक खेल बर्फ में खेले और एक खेल अंदर जाकर खेले और देखें कि कौन सा सबसे अच्छा है। ठीक है, ये आइडिया बहुत बढ़िया लग रहा है। पेपा और कैंडी स्नोमैन बना रहे हैं। ये बहुत लंबा है। कितना मजा आया। बस एक ऊनी टोपी लगा देते हैं। म्याऊ। मुझे लगता है कि अब हमें अंदर जाना चाहिए और थोड़ी गर्मी लेनी चाहिए। पेपा और कैंडी ने तकिए का किला बनाया है जो सुकून देने वाला और गर्म है। ये लो, सब हो गया। एकदम बढ़िया, ये मजेदार आइडिया था। ओह, यहाँ पर कितनी गर्मी लग रही है। क्यों ना हम ठंडक के लिए फिर से बर्फ में जाकर कुछ करें। पेपा और कैंडी खूब सारे अलग अलग खेल खेलकर दिन बिताते हैं और स्लेडिंग के लिए बाहर जाते हैं। वो लजीज हॉट चॉकलेट पीते हैं और बर्फ के प्यारे फरिश्ते बनाते हैं। यहाँ तक कि वो घर के अंदर दौड़ भी लगाते हैं और बाहर भी जाते हैं, लेकिन वो राजी नहीं हो पा रहे हैं कि क्या करें। हमने सब कुछ आजमाया। हेलो पापा। हेलो कैंडी, दुखी चेहरे क्यों बनाए हैं? हमें ऐसी कोई चीज नहीं समझ आ रही जो गर्मी और सर्दी दोनों में करने में मजेदार हो। वो वाकई मुश्किल है। ओह, तो कैसी रहेगी ये लजीज स्नो कोन? इन्हें बढ़िया ठंडी बर्फ से बनाया गया है और घर के अंदर की गर्माहट वाले माहौल में मजे से खाई जा सकती है। शुक्रिया मिस रैबिट। वाह, शुक्रिया। पेपा और कैंडी दोनों इस बात पर राजी हुए कि यही सबसे बढ़िया है। पेपा और रेबेका रैबिट आज तकिए का महल बना रहे हैं। ध्यान से, महल को गिरा मत देना। गिरने ही वाला था, संभाल लिया, बच गया। हमने कर लिया, अब हमें इसे अंदर से सजाना होगा। कुछ तो कमी है। ओह, कुछ खाने के लिए। मम्मी। तकिए का महल कितना सुंदर लग रहा है। क्या हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा? बिल्कुल, अब भी आई कहीं मत जाना। चलो ऐसा सोचते हैं कि तकिए का महल अंदर से बहुत बड़ा है। वाह। पकड़ो पेपा। चलो अब यूं ही ऐसा सोचते हैं कि ये कितना उछालता है, जैसे कोई ट्रैम्पोलिन। आहा, ये कितना उछालता है। अरे नहीं, ओ गेंद उछलकर वहाँ चली गई। चलो हम भी उसके पीछे जाते हैं। ये फ्लोर हरा है, तो चलो ऐसा सोचते हैं कि ये दलदल जैसा है। लेकिन गेंद तो यहाँ नहीं है, शायद वहाँ हो। ये कमरा नीला है, तो चलो सोचते हैं कि यहाँ ठंड है। ये रही गेंद। वाह, चलो यहाँ से चलते हैं। हम कौन से रास्ते से आए थे? पेपा, तुम कहाँ हो? हम तकी के महल में खो गए हैं। मैं आकर तुम्हें ढूंढती हूँ।
नहीं मम्मी, महल बड़े लोगों के लिए नहीं बना है। ओह, मैं किसी भी चीज में फिट हो सकती हूँ। मम्मी पिग हंस गई है। मम्मी, आपके हिलने डुलने से महल टूट रहा है। सॉरी। इन सब चीजों को यूं ही सोचते हुए मुझे तो और भूख लग गई। अच्छा हुआ मैं खाने के लिए कुछ लाई हूँ। आप बस हमें से तकिए के नीचे खोजना है। आज पेपा और उसके दोस्त रूपॉल कप फाइनल देखने जा रहे हैं। ओ डियर, केक तो एकदम मसल गया है। अरे नहीं, मेरा ट्रॉफी केक। मुझे बहुत दुख हो रहा है मम्मी पिग। कोई बात नहीं, हमें दूसरा नया केक बनाना पड़ेगा। लेकिन मैच को शुरू होने में केवल 10 मिनट है। बेहतर होगा कि हम फटाफट कुछ लेकर आएं। सुपरमार्केट से। ठीक है, फुटबॉल कौन कौन खेलना चाहता है? यस। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें अलग अलग जाना होगा। पेपा, तुम और मैं स्पंज केक ढूंढेंगे। ग्रैनी पिग, आप और मैंडी माउस आइसिंग ढूंढेंगे। और डैडी पिग, आप और जॉर्ज स्प्रिंकल्स की जिम्मेदारी लेंगे। स्प्रिंकल्स। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। टॉप कॉर्नर को निशाने पर रखो। वहाँ टॉप कॉर्नर में। इसे नेट के अंदर वापस डालो। बहुत बढ़िया, इसे बास्केट में डालो। मैं एक बार में 3 शॉट्स रोक सकता हूँ। हमें 3 स्पंज केक चाहिए पापा। बहुत अच्छा किया टीम, हमें सारी सामग्रियां मिल गई हैं। चलो अब घर चलते हैं और केक बनाते हैं। सभी नया केक बनाने में व्यस्त हैं। कितने गोल हो गए? 100 या फिर 101? हमने नया केक बना लिया। वाह! और कुछ ही समय में खेल शुरू होने वाला है। पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं। उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं पापा? तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती, ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी। एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पापा? ये मेरी सांस लेने की नली है, इसका मतलब मैं तुम्हारी तरह वन में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पापा।
पेपा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पेपा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर पानी न जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ बहुत बढ़िया, और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जॉर्ज और मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए। आइसक्रीम। बेबी अलेक्जेंडर और उसकी फैमिली हैप्पी क्रिसमस बोलने आई है, लेकिन बेबी अलेक्जेंडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेबी अलेक्जेंडर क्यों रो रहा है? क्रिसमस मजेदार होता है। वैसे बेबी अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस है, उसे नहीं पता ये कितना मजेदार हो सकता है। तब तो ये और भी स्पेशल होना चाहिए। मैं उसे अपनी सारी पसंदीदा क्रिसमस की चीजें दिखाऊंगी। मुझे क्रिसमस डिनर काफी पसंद है। इसमें गाजर, आलू, स्प्राउट्स नहीं, तुम्हें इसे खाना है, इसे फेंकना नहीं है। चलो कुछ और आजमाएं। टॉफी रैप करना वाकई मजेदार है। आप बो को ऊपर लगा सकते हैं। नहीं, हमें उन्हें रैप करना होगा ताकि बाकी लोग उन्हें खोल सके। बेबी अलेक्जेंडर को लगता है कि तोहफे रैप करने की बजाय उन्हें खोलने में ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को क्रिसमस बिल्कुल ही पसंद नहीं। अच्छा, उसे तो तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये उसके लिए थोड़ा और खास हो। अपने चचेरे भाई के साथ क्रिसमस बिताना काफी खास है पेपा। पर वो सब गलत कर रहा है। अलेक्जेंडर अभी बस एक बच्चा है, शायद तुम्हें उसे कुछ आसान सी चीजें करने के लिए देनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी अलेक्जेंडर को क्रिसमस के तोहफे पास करने में मजा आ रहा है। थैंक यू अलेक्जेंडर, ये तोहफा मम्मी के लिए। और उसे क्रिसमस क्राफ्ट वाकई पसंद है। बहुत अच्छा किया अलेक्जेंडर। और म्यूजिक भी। What fun it is to ride on a one-horse open sleigh. लेकिन उसे सबसे ज्यादा पेपा के साथ क्रिसमस मनाना पसंद है। अब हमें अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस हमेशा याद रहेगा।